जय बोलेगी ये भाई। गोरीकुंड जाते हुए गुप्त काशी से गोरीकुंड जाते हुए ये झरने, जय बोलेगी। बहुत ठंडी हवा आ रही है, थोड़े यहाँ थोड़े थकान होगी थी ऊंचाई से, जम चढ़ने लग रहे थे, पसीना आ गया था, थोड़ी देर रुक जाते हैं। जय बोलेगी, जय बाबा की, ओम नमः शिवाय। सर ये बाइक पे बोले जा रहे हैं, ये साइलेंसर निकाले हुए सारे, और उत्तराखंड निवासी कहते हैं कि साइलेंसर की आवाज़ उनको तंग करती है, आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो कुछ बोले समझदार हैं जो मोटरसाइकिल से आते हैं, वो अच्छी तरह मोटरसाइकिल चलाते हैं, हेलमेट भी पहनते हैं, लेकिन 80% 90% जो भोड़े यहाँ मोटरसाइकिल पे आते हैं या यात्री बोलो इनको, वो साइलेंसर निकाल के आते हैं। ये देखिए कितनी आवाज़ है इसमें, देखो सब साइलेंसर निकाले हुए हैं। इससे आवाज़ से यहाँ के पर्यावरण, यहाँ पे पहाड़ों पर आवाज़ ज़्यादा गूंजती है और पत्थर खिसकने का डर रहता है। अब कोई भी बोला हेलमेट पहले हुए नहीं है, प्रशासन तो बहुत दूर हो जाता है इस चीज़ से, किसी का भी चालान नहीं होता बगैर हेलमेट के, सारे सेफ्टी में है ही नहीं। अब ये देखो, जय बोले की, जय बाबा की, जय भोलेनाथ। ये पुल है, जय भोलेनाथ। अब देखिए कोई भी बोला या यात्री बोले इनको, बोला क्या यात्री बोले, मोटरसाइकिल पे सारे, ना तो हेलमेट है और ना ही साइलेंसर हटा रखा है इन्होंने। सिर्फ 10% जो समझदार बोले हैं या यात्री कह लो उनको, फिर वो हेलमेट भी पहन के रखते हैं और ये देखिए, जय बोलेगी, जय हो प्रभु, बम बम, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय हो प्रभु। जय भोलेनाथ। ये बहुत ठंडी हवा है, झरने की वजह से हमारी भी कुछ थकान मिट जाएगी। जय भारत, मेरा भारत महान। इसके पास तक कोई भी जा नहीं रहा है। जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बाबा।